अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। भाजपा नेता गणेश नाइक ने लॉन्च की ऑक्सीजन किट, दशरथ भगत की पहल पर जरूरतमंद मरीजों के लिए इमरजेंसी सेवा। ऑक्सीजन के अभाव में अब किसी कोरोना मरीज को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। भाजपा नेता दशरथ भगत ने ऐसे कोरोना मरीजों को तत्काल सुविधा देने ऑक्सीजन किट उपलब्ध कराया है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज इस ऑक्सीजन किट की लॉन्चिंग की। इस दौरान भाजपा युवा नेता निशांत भगत भी मौजूद रहे। गणेश नाइक ने कहा कि आज कोरोना मरीज ज़्यादा हैं, लेकिन उस अनुपात में बेड और ऑक्सीजन सुविधाएं नहीं हैं। विधायक ने विश्वास जताया कि दशरथ भगत की अमानवीय पहल ऐसे मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उनकी जिंदगी बचाने में मददगार साबित होगी। अपने भारत देश में मार्च महीने में 2020 में COVID-19 की शुरुआत हुई, मेरे कोरोना का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया। शुरू में हॉस्पिटल में जगह थी, कॉरपोरेशन की, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। 5-5 दिन 8-8 दिन लोगों को वेटिंग में रहना पड़ा, ऑक्सीजन के बेड भी नहीं मिल रहे, सादी कॉट भी नहीं मिल रही है। लेकिन जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को घर में राहत देने का एक प्रयोग है। श्री दशरथ भगत और डॉक्टर जोशी, इन्होंने संकल्पना मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि सोसाइटी के लोगों ने ऐसे एक सिलेंडर आपने सोसाइटी में रखो, जब तक ऑक्सीजन युक्त कॉट नहीं मिलती तब तक लोकल डॉक्टर के माध्यम से एक वो मरीज को एक ऑक्सीजन दिया जाए और इस ढंग से लोगों को थोड़ा सा एक दिलासा देने का प्रयत्न है। अभी ये सिलेंडर की कीमत 24,000 रुपये है, 14,000 रुपये, उसमें से 8,000 रुपये डिपॉजिट, 6,000 रुपये मटेरियल की कीमत है। मैं समझता हूँ कई दानशूम लोग हैं, कई समाज सेवक, उन्होंने बहुत बड़ी, यानी ऑल पार्टी पीपल, मैं किसी पार्टी का नाम लेना चाहता हूँ, ऑल पार्टी पीपल लोगों ने लोगों को अनाज दिया, लोगों को मास्क दिए, लोगों को सैनिटाइजर दिया, लोगों को डॉक्टर लोगों को पीपीए किट दिए। इसमें ये और एक कदम आगे बढ़ाने का काम है और दशरथ भगत ने ये मुझे भूमिका बताई, मुझे इस बात का एक आकर्षण लगा, मैंने देखने का सोच लिया और देखा मैंने और मैं प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से सोसाइटी के लोगों को बोलूँगा कि दानशूर लोगों को बोलूँगा कि आपके माध्यम से झोपट्टी इलाके में, गांव इलाके में और शहर इलाके में भी ऐसा ऑक्सीजन मिले तो लोगों को राहत मिल सकती है। वो कोई राजनीति का मास्टर नहीं, ये मेरे मन में जो लोगों के प्रति जो भावना आई वो भावना मुझे वहाँ तक लेके गई। अभी ये हो रहा है, कर रहे हैं, धन्यवाद उनको। देखिए बात ऐसी कि कौन से भी कंपनी के लोग, लेकिन लोगों को बचाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसका बंदोबस्त करो। अभी आज के तारीख में ऑक्सीजन का भी वहाँ पे उपलब्धता हुई है, तेजस में वेंटिलेटर भी लगाने का उन्होंने इरादा व्यक्त किया है और मुझे विश्वास है कि खाली हम लोग समाज सेवक तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ये आवाज़ कैसी उठ रही है, ये आपके माध्यम से जनता तक पहुंच रही है और जनता का भी प्रेशर उस पर प्रशासन पे आ रहा है। प्रशासन नालायक है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रशासन में जो कमियाँ हैं वो दिखाने का काम हमारा है। जब वो अच्छा काम करेंगे तो उनको शाबाशी दे देंगे, लेकिन उससे पे गलत काम होगा तो उनके वो गलत काम पे उंगली रखने का काम भी हम करेंगे। हमारा पर्सनली निजी इससे कोई दुश्मनी है ही नहीं, आगे चल के उनकी जो कुछ भी कार्यवाही है वो समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हुए इसके लिए सब प्रयास किया था। अपन सब लोगों के प्रयास से वो अभी वो स्थिति बन रही है, उसके लिए मुझे आनंद लग रहा है। जनता के जान को खतरा है, वो खतरे से उनको बाहर लाना, यही मकसद राज्यकर्ताओं का होना चाहिए, सभी राजनीतिक लोगों का होना चाहिए और उसके लिए अपन सब लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाई, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। वालुंज जो फैमिली है वो फैमिली हरदम लोगों से जुड़ी हुई है। अभी आज उन्होंने हर सोसाइटी को टेम्परेचर
गिनने का इंस्ट्रूमेंट दे दिया हर सोसाइटी को उसके इलाके। उसके बावजूद फुट सैनिटाइजर उन्होंने दिया है कि नहीं, पैर दबा और हाथ पे सैनिटाइजर का लिक्विड ले लो, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वालन परिवार जो लोगों से जुड़ा हुआ है, मुझे पक्का विश्वास है वो कोई राजनीति करने के लिए नहीं, अपनी फर्ज जो अपना कर्तव्य भावना निभाने का काम कर रहे हैं, डेफिनेटली जनता उनको आशीर्वाद दे देगी, ऐसा मुझे लगता है। बता दें कि भाजपा नेता दशरथ भगत ने डॉक्टर मिलिंद जोशी की सहायता इस ऑक्सीजन किट को अपने इलाके के लिए लॉन्च किया है। दरअसल कई बार कुछ मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दशरथ भगत की अपील है कि ऐसी ऑक्सीजन किट हर सोसाइटी में रहनी चाहिए ताकि कोरोना मरीजों को जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।